गाजियाबाद में आज विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं बिजली विभाग के और अभियोक्ताओं के और कर्मचारियों के भविष्य के निधि के सुरक्षित वहीं बिजली विभाग में और अभियंताओं व कर्मियों के भविष्य के निधि के निवेश के कारण आए संकट। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हम लोग अवर अभियंता संवर्ग से हैं और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं केंद्रित नेतृत्व के आह्वान पे। एक्चुअली हम लोग के साथ ये हो रहा है कि हमारा जो एक एम्प्लाई का पूरी भविष्य की गाढ़ी कमाई होती है, CPF का पैसा जो होता है, उसको मतलब बेनियम पद्धति के थ्रू उसको ऐसी जगह पे लगा दिया गया जहाँ पे आज वो पैसा हम लोग का लगभग 2600 करोड़ रुपये से ऊपर का पैसा फंस गया है और एक महीने से ऊपर का समय व्यतीत हो रहा है। कंटिन्यू हम लोग प्रबंधन को सचेत कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई निर्णय सही से लिया नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य जो हमारा राज्य सरकार है उसके द्वारा भी कोई इसकी गारंटी नहीं ली जा रही है कि हर एक एम्प्लाई का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा भी इस पर कोई संवेदनशीलता दिखाई नहीं गई है। इसी के विरोध में अभी हम लोग आज यहाँ पे DM साहब के महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और भविष्य का कार्यक्रम हमारा अगर ऐसे ही चल रहा है, अगर प्रबंधन द्वारा कोई सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया गया तो आगे औद्योगिक कोई भी अशांति हो सकती है। बिजली विभाग पूरा हड़ताल पर भी जा सकता है और उसकी समस्त जिम्मेदारी उच्च प्रबंधन की होगी।